सफलतापूर्वक भारत बंद रहा और शांतिपूर्ण बंद की अपील की गई थी और इस आंदोलन का किसी के पास कॉपी राइट नहीं था। आप सबने आंदोलन किया, आप सबने भारत बंद कराया, जिन व्यक्ति संगठन राजनीतिक दल ने इसका समर्थन किया, सहयोग किया, आप सबका शुक्रिया, आप सबका आभार। कि हम लोग बार बार कह रहे थे कि ये जन आंदोलन है, टूटा ने भी सपोर्ट किया, भारत बंद का जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन ने किया, आप सबका शुक्रिया है, आभार। साथियों, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, मैं कुछ नहीं एक दो पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं। ये सरकार ये लीला कर रही, लीला अभी लिखा हुआ इधर ब्राह्मणवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद से आजादी, तमाम बातें लिखी हुई। तो जब हम कहते थे कि ये जनऊ रोस्टर नहीं चलेगा तो लोग कहते थे, ऑब्जेक्शन करते थे। तो मैंने कहा क्या कहूं मैं इसको, पाकिस्तानी रोस्टर कहूं क्या? ये रोस्टर पाकिस्तान में बना है क्या? तो अगर पाकिस्तान में बना है तो चलिए भारत सरकार इस पाकिस्तानी रोस्टर के खिलाफ ही लड़ लीजिए। तो साथियों, अपने लिए खीर पूरी और हमारे लिए आश्वासन कि आपने जो है गैर संवैधानिक 10% जनऊ आरक्षण आप ले आए, बगैर इसका कहीं प्रावधान नहीं था, नहीं चलेगा। और हमारा जो संवैधानिक आरक्षण है, आज 5 मार्च है, 1 साल हो गया, तो आज आपके 13 पॉइंट की बरसी भी है, इसलिए 5 मार्च भारत बंद रखा गया था। साथ आप लीला कर रहे हैं पूरे 1 साल से। आज प्रकाश जावड़ेकर साहब ने कहा है, सुबह सुबह मुझे एनडीटीवी से खबर मिला कि हम 2 दिन के अंदर जो है ला रहे हैं अध्यादेश, ला रहे हैं, आश्वासन दिया। तो हुजूर, हमें आश्वासन नहीं, अधिकार चाहिए, और 2 दिन ये लीला नहीं चलेगा, ये हम लोग सब समझ चुके हैं। बार बार 1 साल से हम लोग देश में कह रहे हैं 2 अप्रैल के बाद कि हमारे हक हकूक अधिकार नहीं माने गए। तो अगर रोहित मुमला की कथित आत्महत्या अगर घटना नहीं, संकेत था आपके सांस्थानिक दमन का, तो 2 अप्रैल भी घटना नहीं, संकेत है आपके खिलाफ प्रतिरोध का, और व्हाट्सएप में भारत बंद कर देंगे। इस बार भी वही हुआ, सोशल मीडिया में भारत बंद हो गया साथी। तो साथियों, अब यात्रा नहीं, अब रन होगा। यह हमारे हकूक की लड़ाई है, हक की लड़ाई है, आपसे डरने वाले नहीं है। आपने अगर आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की, सबसे ज्यादा मार पड़ी आदिवासी भाइयों पर, रोस्टर से यूनिवर्सिटी नहीं करीब है, जंगल से निकालने के फरमान, तो ये लीला नहीं चलने वाला है साथियों। अगर आपने इसे छेड़छाड़ की तो भारत जाग रहा है, 21वीं सदी का भारत है ये, डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत होने जा रहा है। अगर आप आरक्षण से छेड़छाड़ करेंगे, अगर आपके डंडे हमारे पीठ पे पड़ेंगे, तो आपकी सरकार की 13वीं इस चुनाव में कर देंगे। शुक्रिया साथियों, जय हिंद।